हेलो दोस्तों, इस समय जो है सऊदी अरबिया में याकूब जो सीम है लोग बहुत ज़्यादा चला रहे हैं। तो दोस्तों, जो लोग चलाते हैं उनको पता होगा कि ऑनलाइन से जो है सिम कार्ड मिलता है। सिम के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं कि सिम कार्ड जो है कैसे आप मंगा सकते हो। दोस्तों, जो लोग चला रहे हैं उनके साथ जो है एक प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या लोगों के साथ जो है प्रॉब्लम हो रहा है सिम कार्ड चलाने पे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप जो है ऑनलाइन से सिम मंगाते हो तो जितने रियाल का आपने पैकेज लगाया है, पैकेज लगा के आप जो है इंटरनेट यूज कर सकते हो। तो बहुत लोगों के साथ हो रहा है क्या कि जैसे कि 1-2 महीना पैकेज लगाया सिम पे, और पैकेज लगाने के बाद जो है चला लिया, और बिना पैकेज के भी जो है ये चल रहा है। दोस्तों, मान लीजिए आपने पैकेज नहीं लगाया, फिर भी जो है ये सिम पे इंटरनेट जो है चल रहा है। तो बहुत लोग सोच रहे हैं कि फ्री में जो है इंटरनेट चल रहा है, क्या जरूरत है जो है पैकेज लगाने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप बिना पैकेज के आपका जो सिम है याकूब, वो उस पे इंटरनेट चल रहा है। आप सोच रहे हो फ्री में चल रहा है, तो फ्री में नहीं चल रहा है। आपके नंबर पे जो है इस तरीके से मैसेज भी आ रहा होगा, और उसमें लिख के आ रहा है कि ऑटोमेटिक जो है आपका पैकेज लग गया है। जो आपने पहले पैकेज लगाया सिम पे लेने के टाइम में, शुरुआत में जो आपने जितने रियाल का पैकेज लगाया उतने का ही ऑटोमेटिक पैकेज लग जा रहा है। तो वही दोस्तों, आपका जो है इंटरनेट चल रहा है, फ्री में नहीं चल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है लोगों के साथ। और दोस्तों, याकूब जो सिम है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन से रिचार्ज होता है, रिचार्ज होगा तो आपका जो है इंटरनेट चलेगा। तो दोस्तों, बिना रिचार्ज के ही चल रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों जो आपका इंटरनेट जितना दिन आप यूज कर रहे हो फ्री में सोच रहे हो, वो पैसा दोस्तों आपके एकामे पे जो है एक्टिव हो रहा है, मतलब आपके एकामे पे जो है लग रहा है। और जब आप घर पे जाओगे तो आपको जो है एयरपोर्ट पे पैसे देने पड़ेंगे। और ये लोग इतना होशियार है कि अगर मान लीजिए फ्री में चल रहा है, पैकेज नहीं लगाना पड़ रहा है, ऑटोमेटिक जो है पैकेज लग जा रहा है, तो इसमें तो ऑप्शन तो देना चाहिए एप्लीकेशन में कि ये पैकेज को कैंसिल करने के लिए, चाहे कितने रियाल का जो है बिल आया है, बिल कैसे पे करने के लिए, देने के लिए, कुछ तो जो है सिस्टम में एप्लीकेशन में डालना चाहिए। बाकी दोस्तों, ये कंपनी जो है नहीं डाली है, और जिससे लोग जो है बहुत परेशान है और सोच रहे हैं कि इसका बिल कैसे भरूं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों के साथ इस तरीके से हो रहा है, तो इस समस्या के आप कैसे जो है खत्म कर सकते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों, आप जो है जितना महीना आप यूज किए सिम को जो है ऑनलाइन कैंसिल कर दो। ऑनलाइन कैसे कैंसिल कर सकते हो, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक पे जाके वीडियो देख लीजिए और कैंसिल कर दीजिए। आई बटन में आपको मिल जाएगा वीडियो, तो वो वीडियो देख के भी कैंसिल कर सकते हो। नहीं तो आप दोस्तों जेन के ऑफिस में जाकर जो है कैंसिल करा सकते हो, क्योंकि याकूब जो सिम है जेन से कनेक्टेड है, मतलब दोस्तों जेन से जो है जुड़ा हुआ है। तो आप जेन के ऑफिस में जाकर भी कैंसिल करा सकते हो। तो आप सोच रहे हो कि फ्री में, तो फ्री में सिस्टम नहीं है दोस्तों, ये कंपनी जो है बहुत लोगों के साथ फ्रॉड कर रही है। तो अगर आपका सिम पे जो है बिना पैकेज का जो है इंटरनेट चल रहा है, तो बंद करा दीजिए सिम का। और दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही था। कल मेरा इंस्टाग्राम पे एक भाई ने मैसेज किया, वो बहुत ज़्यादा परेशान था और बोल रहा था कि मैं 2-3 महीना पैकेज लगा के जो है चलाया, उसके बाद जो है पैकेज नहीं लगाया, और अभी 2-3 महीना और जो है बिना पैकेज का चला रहा हूँ, नेट चल रहा है, और ऐसा नहीं कि मेरे जो है बिल आ जाए, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो, कोई ऑप्शन ही नहीं है कि बिल कैसे भरे। तो इसीलिए मैं सोचा कि वीडियो बना दूँ, जो लोग ये सिम चला रहे हैं अभी से जो है बंद कर दे बिना पैकेज के चल रहा है तो। और ये दोस्तों, ये कंपनी दोस्तों आपको जो है गुमराह कर रही है। ऑनलाइन से सिम मिलता है, और मैं आप लोगों को कहूँगा ना ले, आपकी मर्जी है, ले तो आप सोच समझ के लीजिएगा। अगर बिना पैकेज का चल रहा है तो आप उस सिम को उसी टाइम बंद करा दीजिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के साथ इस तरीके से भी प्रॉब्लम रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं, और जो भी आपका प्रॉब्लम होगा मैं आप लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक करते हैं वीडियो को समाप्त। जय हिंद, वंदे मातरम।